राजधानी रायपुर में दो दर्जन से अधिक गौवंश की मौत के मामले में भाजपा ने कांग्रेस की सरकार को घेरा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार सनातन एवं गौ विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं, कांग्रेस उनके साथ गठबंधन कर रही है और यहाँ प्रतिदिन गौ माता की मौत हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की मृत्यु के जिम्मेदार भूपेश सरकार है। देखिए, जिस प्रकार से ये जो घमंडी गठबंधन है, जिस प्रकार से सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए काम कर रहे हैं, कल जिस प्रकार के ये बात हुई है और आज जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की मृत्यु हुई है और लगातार छत्तीसगढ़ में सड़कों में गौ माता की मौतें हो रही है, ये बताता है कि किस प्रकार से राज्य की भूपेश बघेल की सरकार इस प्रकार के कृत्य कर रही है। जनता कभी माफ नहीं करेगी। गौ माता की ये जो मौत हुई है, इसकी कोई दोषी है तो राज्य की भूपेश सरकार है, कांग्रेस पार्टी है।